मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबकी हिफाजत करे। मैंने जो नया गीत किया है उसका भी साथ लिंक दे दूंगा, क्रिसमस के हवाले से वो गीत है। आप लोगों ने ज़रूर उस गीत को भी आगे शेयर करना है। और ये जो हम आज कर रहे हैं लेसन, ये लेसन है राग भैरवी में कितने जबूर हैं। ठीक है, तो राग भैरवी जो है संपूर्ण जाति का राग है, तो इस राग को पूर्वांका भी राग कहते हैं। ठीक है, वादी स्वर इसका माँ है, समवादी स्वर इसका सा है, ये वाला माँ ये वाला सा। ठीक है, तो इसका रो कैसे है, सरे गा मा प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। अभी देखिए आप इसमें अलंकार करना चाहते तो वैसे कहें सा सा ग ग म म प प ध द नी नी रे रे सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे। जाते हुए आप रे नहीं लगाएंगे, गा से जाएंगे। ठीक है, आते हुए आप गा भी लगाएंगे रे भी लगाएंगे। ठीक है, तो ऊपर जाते हुए नी रे सा सा, नी रे सा सा, नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अभी हम पहला जबूर देखेंगे कौन सा है। आपने खुदा खुदा वंदनो उड़ी दीरे आराम नल मेरी जान। फिर उसी तरह ही आ पाएंगे। ठीक है, के ओ स्तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान। ठीक है, अंतरा इसका किस तरह होगा, ओ मेरी जान दकीला है, ओ मेरी जान दकीला है, न जाते पाना गा न जाते पाना गा। देखिए जरा फिर, सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी टलांगा, खुदा वंदनू उड़ी धीरे आराम नल मेरी जान। ठीक हो गया, तो ये आपकी बेहतरी के लिए है, ये आपके मतलब फायदे के लिए, आप जितना करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक, जरूर याद यहोवा दी सब करना, याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया। देखें, गीत निकालने के लिए ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए सा गा मा पा नी, ये मतलब पांच पांच सुर होते हैं, एक दो तीन चार पांच, ये पांच सुर होते हैं जिससे आपको मतलब अंदाजा होगा ये यहां से शुरू हो रहा है या नी से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है। याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया, दिल दे नाल रजू ल्यावणगे अगे सारी, दिल दे नाल रजू ल्यावणगे अगे पाक खुदा बंद दे। अगे अंतरा देखी तरह, सारिया कौमा झुक झुक जावण, गा से शुरू होगा अंतरा इसका, सारिया कौमा झुक झुक जावण, डर रखण गिया ओ से दा, सारिया कौमा झुक झुक जावण, डर
पर रखन गिया ओ सेदा क्यों जो राज यहो वादा है हाकम है ओ कुमार। ठीक हो गया, अभी जो तीसरा जबूर है याद नहीं आ रहा, याद नहीं, याद आ गया। अच्छे तरीके से कर लेंगे ना राग भैरवी को, ये मतलब कि रात 12 के बाद शुरू करते हैं राग को, वैसे आप ये किसी टाइम भी शुरू कर लें इस राग को, ये रचाओ बन जाता है इसका। ठीक है, पकाया रागों का डैम है, दरबारी है, दरबारी कांदड़ा है, सुहा कांदड़ा है, इनका डैम है। तो ये राग जो भैरवी है ये आप किसी वक्त भी छेड़ सकते हैं, ये आपको मतलब कि रचाओ बना देता है। मैं चढ़ जावा जे असमां ना देते ओथे तू ही बिछावा इस तेरा पाताल दे विच ओ मदद तेरी। खुदा माफ करे मुझे मतलब के अंतरे के बोल मतलब याद नहीं आ रहे, लेकिन अभी मैंने जिस तरह भी कर दिया। देखिए सुर छोड़ छोड़ कर रचाओ बनाना अपने अलंकार जिसे कहते हैं हम सरगम पलटा। सानी धानी साधानी पदा मा पगा मे गे गम बम गे जितनी भी कोशिश करता हूँ आप नए लोगों के लिए करता हूँ, ताकि आप लोग किसी भी जगह पर मार ना खाएं। ठीक है, सारे का रे गा मा गा मा पा धा मा मा गा मा पा धा मा मा गा रे गा नी धा सा। देखिए जरा, सारे का रे गा मा पा धा मा मा गा रे गा मा गा रे। ठीक है, सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा रे सा मा। इसलिए जरूरी है इसमें माँ घूम फिर पे माँ पे आ रहे माँ पे आ रहे, इसका वादी सुर जो है वो माँ है, संवादी सुर इसका सा है, सा कम इस्तेमाल होता है राग में और वादी सुर ज्यादा होता है। सारे गा रे गा मा गा मा पा धा पा मा गा मा पा धा पा मा गा मा गा रे गा मा गा रे गा मा गा रे पा मा गा रे। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखें। मैंने जो नया गीत किया है उस गीत को आप लोगों ने सपोर्ट करना है, आपके सपोर्ट के बिना वो गीत नहीं आगे चलेगा। तो खुदा आपको बरकत दे, शेयर कीजिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।